अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लोगों को बधाई दी और कहा कि रामलला अब तंबू में नहीं रहेंगे, वो भव्य मंदिर में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सदियों के बलिदान के बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी। श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कई प्रमुख बातें कही हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला आंदोलन का जिक्र किया तो कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भावुक अंदाज में श्री रामलला को याद किया है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज संपन्न हो गया है। पीएम मोदी बतौर मुख्य यजमान हल्के पीले रंग की धोती और कुर्ता पहनकर 12 बजे मंदिर परिसर में पहुंचे। पीएम के हाथ में एक थाल थी जिसमें श्री रामलला का चांदी का छत्र था। संकल्प के साथ प्राण प्रतिष्ठा की विधि 12:05 पर शुरू हुई जो करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान की आरती कर चवर डुलाया, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से कलावा बंधवाया और उनके पैर छुए। इसके बाद पीएम मोदी ने श्री रामलला की परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के भी पैर छुए। पीएम मोदी ने अपना 11 दिन का व्रत भी तोड़ा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। करीब 35 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने राम नाम के साथ शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला अब टेंट में नहीं दिव्य मंदिर में रहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है, श्री राम का मंदिर मिला है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं बल्कि ये एक नए कालचक्र का उद्गम है। लोग इसे हजारों साल याद करेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि कुछ तो कमी थी जो मंदिर बनने में सदियां लग गईं। ये राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी बनेगा। श्री राम मंदिर बनने में अदालत के फैसले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका ने लाज रख ली। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं प्रभु राम से क्षमा याचना करता हूँ। हमारे त्याग तपस्या पूजा में कोई तो कमी रह गई होगी कि इतने साल मंदिर निर्माण पर काम नहीं हो पाया, आज ये कमी पूरी हुई। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम हमें क्षमा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के संविधान की पहली प्रति में राम विराजमान हैं। दशकों तक प्रभु राम के अस्तित्व पर कानूनी लड़ाई चली। मैं न्यायपालिका का शुक्रगुजार हूं कि उसने लाज रख ली। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अनुष्ठान के दौरान सागर से सरयू तक की यात्रा का मौका मिला। राम भारतवासियों के मन में विराजे हुए हैं, किसी के भी मन के छुएंगे तो एकत्व की अनुभूति होगी। मुझे देश के कोने कोने में रामायण सुनने का अवसर मिला है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी उन्होंने इतिहास की गांठें सुलझाने का प्रयास किया तो मुश्किल परिस्थितियां बन गई। हमने जिस गांठ को भावुकता और समझदारी के साथ खोला है वो बताता है कि भविष्य बहुत सुंदर होने जा रहा है।
इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। राम मंदिर किसी आग को नहीं, ऊर्जा को जन्म दे रहा है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तियों को भी याद कर रहा है जिनकी वजह से ये शुभ दिन देख रहे हैं। हम कार सेवकों, संत महात्माओं के ऋणी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाला समय सिद्धि का है। ये राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मंदिर सिखाता है कि लक्ष्य प्रमाणित हो तो उसे हासिल किया जा सकता है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, अब हम रुकेंगे नहीं। पीएम मोदी ने अपने भाषण की समाप्ति जय श्री राम के नारे के साथ की। जाहिर है अयोध्या में श्री राम लला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ऐसे वक्त संपन्न हुआ है जब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।